चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऑनलाइन बिजनेस की इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। इंस्पिरेशनल स्टोरी का दोस्तों आपको सिंपल सा ये मतलब लेना है कि आप ना कुछ ऐसा सुनते हो, आप कुछ ऐसा कंज्यूम करते हो किसी पर्सन के बारे में, सुनने के बाद आपको अंदर से ये महसूस होता है, ये फीलिंग आती है कि यार ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज के टाइम पर यदि ये एज में ये काम कर रहा है तो मैं भी करूँगा, यदि ये इतना पैसा कमा रहा है इस एज में कमा रहा है तो मैं भी यहाँ पे कमाऊंगा, मैं भी कमा सकता हूँ। जो ये एग्जैक्ट वर्ड है ना दोस्तों, आई कैन डू इट, मैं भी ये कर सकता हूँ, ये तभी आता है दोस्तों जब आपके पास इंस्पिरेशन हो, जब आपके पास इंस्पिरेशनल स्टोरी हो। अब सीन क्या है रियलिटी में कि जो ट्रेडिशनल करियर है ना दोस्तों, जैसे कि UPSC क्रैक करना, डॉक्टर बनना, इनके रिगार्डिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी भरी पड़ी हुई है। यदि XYZ पर्सन को दोस्तों UPSC क्रैक करनी है तो इंस्पिरेशन डेली बेसिस पर मिलती है, क्योंकि सोसाइटी में यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएगी, IAS की एंट्री मिल जाएगी, और जो सीन आप देख रहे होगे ये इस टाइप की लाइफस्टाइल है, इतना पैसा, ये वो, तो दिखता है। तो XYZ पर्सन जो ट्रेडिशनल करियर के थ्रू आगे भी पढ़ते हैं ना, वो एक हिसाब से कह लीजिए वहाँ पे भीड़ इसीलिए मची हुई है क्योंकि वहाँ पे इनफ इंस्पिरेशन है, तो इसलिए वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन है ट्रेडिशनल करियर में, ट्रेडिशनल तरीके से पैसा बनाने में, क्योंकि लोगों को जो दिखता है यार ये मेरे जैसा था और ये कर गया तो मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो लोगों को ट्रेडिशनल चीज़ों से इंस्पिरेशन मिल रहा है तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ाए जा रहे हैं। और मज़ेदार बात दोस्तों यहाँ पे रिवर्स तरीके की है कि ऑनलाइन एक पूरा ओशियन है, इंटरनेट बिजनेस से दोस्तों लोग पैसा बनाने की एक जैसे कह लीजिए पैसा छापने की मशीन ही बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन में दोस्तों काम करते हैं उन्हें एक हिसाब से कह लीजिए ज़रूरत होती नहीं है, तो कम है। और रियल इंस्पिरेशनल स्टोरी तो दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस को लेकर बिल्कुल ही कह लीजिए 9 के बराबर है। तो मैंने सोचा है कि जितनी भी दोस्तों इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ उतना शेयर करूँगा, और सिंपल सा बंडा है, ऑनलाइन बिजनेस की इंस्पिरेशनल स्टोरी है, सुनोगे एंड तक, और बाद में आपको यहाँ पे जो भी ऑनलाइन बिजनेस पे काम कर रहे हैं आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप एक सही डायरेक्शन में हो, और साथ ही साथ एक अंदर से आएगा आई कैन डू इट, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आज एक लड़के के बारे में, एक बच्चा ही कहूँगा क्योंकि वो बच्चे की एज 12 है, तो ये बच्चे की कैटेगरी में आता है एट द एज ऑफ 12, तो बच्चा ही कहा जाएगा। नाम है दोस्तों आइजैक। आइजैक की आज उम्र है 14, आज आइजैक 14 ईयर का है, लेकिन आइजैक ने दोस्तों अपना पहला इंटरनेट का हसल शुरू किया था एट द एज ऑफ 12। 12 साल की उम्र में दोस्तों आइजैक ने www.cookieduck.com पे काम किया, cookieduck.com आइजैक ने बनाया एट द एज ऑफ 12। cookieduck.com दोस्तों यहाँ पे एक गेमिंग साइट है, और जो भी मैकबुक होती है XYZ टाइप के दोस्तों, जो लाइट डिवाइस होते हैं जो ज़्यादातर गेम को एक्सेस नहीं कर पाते, तो थोड़ा बहुत इंटीग्रेट और एम्बेड करना, ये थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें लर्न करके वेबसाइट बनाई यहाँ पे आइजैक ने cookieduck.com। और एट द एज ऑफ 12 दोस्तों आइजैक ने यहाँ पे अपने पीक टाइम पे एडिसन्स के थ्रू, ये वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे दिन का $150 तक की कमाई की थी, दिन के $150 तक की कमाई की थी, और टोटल ना दोस्तों आइजैक ये वेबसाइट से $10,000 प्लस बना चुका है। आज भी ये वेबसाइट लाइव है, और एट द एज ऑफ 12 की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एट द एज ऑफ 20 नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कि एट द एज ऑफ 12 दोस्तों एक पर्सन है जो इस टाइप की वेबसाइट बना रहा है, एक बच्चा है cookieduck.com, और $10,000 प्लस इन टोटल ये वेबसाइट से बनाया हुआ है, सिर्फ एडसेंस के थ्रू बनाया हुआ है। तो ये पहला प्रोजेक्ट था, मोर देन 2 मिलियन की दोस्तों ये वेबसाइट पे विजिट्स आ चुकी है, 20 लाख से ज़्यादा लोग दोस्तों यहाँ पे आइजैक के ये वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं, और वेबसाइट के थ्रू थोड़ा बहुत गेम का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। आज दोस्तों आइजैक की एज है 14, और आज के टाइम पे आइजैक क्या कर रहा है ये मैं बता रहा हूँ। अभी दोस्तों आइजैक एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और वो नया प्रोजेक्ट है www.prizesatellite.com। prizesatellite.com की दोस्तों एक हेडलाइन आपको बता रहा हूँ, सेव बिग ऑन लग्जरी गुड्स वाइल ट्रैवलिंग। अब देखिए दुनिया भर में दोस्तों जो लग्जरी गुड्स होते हैं उनके प्राइसिंग अलग अलग होते हैं, किसी कंट्री में सेम लग्जरी गुड का प्राइस डिफरेंट हो सकता है किसी और कंट्री के कंपेरिजन में। तो ये दोस्तों वेबसाइट बना रहा है आइजैक, करंटली इसी पे ही काम कर रहा है एट द एज ऑफ 14, अभी 14 साल का ही आइजैक, और ये प्रोजेक्ट पे इसीलिए भी काम कर रहा है क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत बड़ी गेम बन सकती है, ये बहुत बड़ा इंटरनेट बिजनेस बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पहला एक एलिमेंट आ जाता है शॉपिंग, सेकंड है लग्जरी गुड्स। तो आइजैक इस वेबसाइट के थ्रू कैसे पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है ये भी मैं बता रहा हूँ। आइजैक सोच रहा है कि एडसेंस तो है ही, प्राइमरली एडसेंस से पैसा बनेगा, सेकंड है अफिलिएट, ये
लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में काम कर रहा है। तो लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में खास करके सेकंड हैंड लग्जरी गुड्स की भी मार्केट प्लेसेस इसमें बनाई जा सकती है। इनके रिगार्डिंग कमीशन, अफिलियट, बहुत तरीके से ये निश में बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। करंटली दोस्तों अभी आइजैक ने इस पे काम शुरू किया ही है एट द एज ऑफ 14 और 40 से 50 दिन के विजिटर आ जाते हैं। आइजैक का एक ही टारगेट है कि उन्हें 1 मिलियन विजिट्स पर मंथ चाहिए अपनी इस वेबसाइट पे। 1 मिलियन विजिट्स पर मंथ के बेसिस पे अपनी वेबसाइट के गोल के साथ अभी आइजैक इस पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको एक बात हैरान करने वाली लगी होगी कि यार ये पर्सन के पास या फिर ये बच्चे के पास इतना एक्सपोजर आया कैसे कि एट द एज ऑफ 12 ये ऐसी ऐसी वेबसाइट बना रहा है। जाओगे तो आपको भी ये लगेगा कि किसी मैच्योर पर्सन ने या फिर किसी कंपनी ने बनाई हुई साइट है, फिर ये आइजैक कैसे बना कैसे पा रहा है, कुछ तो इनसाइट है इसके पीछे का। एब्सोल्युटली दोस्तों इसके पीछे का यहाँ पे एक ग्रेट इनसाइट है और वो ग्रेट इनसाइट मैं आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक ब्रेक, बात कर लेते हैं हमारे मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस प्रोग्राम की। जो हमारे पुराने व्यूअर हैं, रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते आ रहे हैं, हमारी चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्राम को ऑलरेडी इनरोल कर लिया और अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू भी कर दिया। जिन्होंने बहुत ही अर्ली में यहाँ पे प्रोग्राम को इनरोल किया था और चीज़ें एग्जीक्यूट की थी, आज वो मंथली बेसिस पे अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। जिन्होंने रिसेंटली हमारे प्रोग्राम को इनरोल किया था उनके डैशबोर्ड पे यहाँ पे डॉलर दिखना शुरू हो चुका है। जो नए व्यूअर है पहली बार इस वीडियो पर आए, जिन्हें नहीं पता हमारे प्रोग्राम के बारे में, दोस्तों थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। टोटल हमारा 13 डेज का मनी मेकिंग मशीन अमेरिकन मीडिया बिजनेस का प्रोग्राम है, जहां पे आप लर्न करोगे कॉपी पेस्ट मीडिया बिजनेस, सॉफ्टवेयर मीडिया बिजनेस और कॉरपोरेट मीडिया बिजनेस। जो चीज दोस्तों मैंने खुद यहाँ पे बिल्ड की है वही चीज यहाँ पे मैंने सिखाई है। आप अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हो भारत में बैठ के, इसलिए पैसा कमाने का पोटेंशियल ज्यादा रहता है किसी और काम के कंपैरिजन में। प्रोग्राम में इनरोल करने को लेकर यदि आपको कोई क्वेरी है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप हमारी टीम से यहाँ पे आपकी क्वेरी का दोस्तों सॉल्यूशन ले सकते हो। आप इस बिजनेस को एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हो और एज अ यहाँ पे फुल टाइम भी कर सकते हो। ये दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बिजनेस है, यानी कि यदि आपको फ्रीडम चाहिए, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है फ्रीडम, आपकी लाइफ की प्रायोरिटी है यहाँ पे लाइफस्टाइल बिजनेस, जहाँ पे आप आपके हिसाब से काम करते हो, आप यहाँ पे ऑनलाइन काम करते हो, फिर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे रहेगा। प्रोग्राम इनरोल करने के बाद आपको दोस्तों पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। पहला बिजनेस क्लब का फ्री में एक्सेस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पहला बिजनेस क्लब के थ्रू आप 1-on-1 आपकी कोई भी क्वेरी का मुझसे आंसर ले सकते हो। आपकी ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में कभी भी कहीं पे फंस जाते हो, कहीं पे डाउट रहता है आपको, मैं विदिन 24 आवर आपको डेटा बेस्ड यहाँ पे आंसर दे दूंगा क्योंकि मैं एक ही जगह पे एक्टिव रहता हूँ। पहला बिजनेस क्लब के थ्रू मुझे पर्सनल क्वेरीज आती है, मैं यहाँ पे क्वेरीज का आंसर दे देता हूँ। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रोग्राम रिगार्डिंग बात कर दी। नाउ बैक टू एपिसोड। ग्रेट इंसाइट है दोस्तों यहाँ पे आइजैक का बैकग्राउंड, आइजैक के फादर, आइजैक के पिता का नाम है दोस्तों वाल। वाल यहाँ पे एक ग्रेट इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है और ग्रेट इंटरनेट एंटरप्रेन्योर वाल ही कह लीजिए यहाँ पे इंस्पिरेशन है एक हिसाब से कह लीजिए आइजैक के लिए। वाल कौन है, मैं पहले वाल का बैकग्राउंड बता देता हूँ। वाल कतयाग ऐसा ही कुछ नाम है। वाल कतयाग दोस्तों यहाँ पे पुअर फैमिली बैकग्राउंड से आके एट द एज ऑफ 19 वाल अमेरिकन को रिंगटोन बेचते थे ऑनलाइन। बहुत सालों पहले की बात कर रहा हूँ, अपने एट द एज ऑफ 19 अमेरिकन को रिंगटोन बेच के जब नया नया इंटरनेट आ रहा था, $1 मिलियन प्लस दोस्तों महीने का वो प्रॉफिट बना रहे थे वाल कतयाल। और आज वाल कतयाल गोल्ड में आया, इंटरनेट प्लस गोल्ड को इंटीग्रेट करके आज वाल कतयाल का बड़ा बिजनेस है। $100 मिलियन प्लस की वैल्यूएशन वाला बिजनेस है, 800 करोड़ प्लस की वैल्यूएशन वाला यहाँ पे वाल कतयाल का बिजनेस है। और मजेदार बात दोस्तों ये भी है कि वाल कतयाग कहते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ के काम करना पसंद करता हूँ। सुबह 4 बजे उठता है वाल कतयाग और दोपहर के 3 बजे तक काम करता है। तो ये उनका डेली सालों साल दोस्तों काम का एक रूटीन रहा और ये वाल कतयाग का ही बेटा है, इसके कारण दोस्तों एट द एज ऑफ 12 से ये पर्सन के पास इतना नॉलेज है, इतना एक्सपोजर है, क्योंकि फादर ही यहाँ पे इंटरनेट बिजनेस बना रहा है। अब आपको एक और मजेदार दोस्तों मैं बात बता रहा हूँ। आइजैक जब ना वाल कतयाग से पूछता है आइजैक कि मैं इंटरनेट बिजनेस बना रहा हूँ, लेकिन सेपरेटली दोस्तों काम हो रहा है, ये भी आपको समझना जरूरी है। ऐसी एक विरासत नहीं मिली हुई है, सिर्फ एक्सपोजर मिला हुआ है। काम दोस्तों आइजैक अपने हिसाब से करता है, इंडिपेंडेंट 100%, फादर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और वाल अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन जब कभी भी आइजैक ना वाल से ये पूछता है कि क्या एक ऐसी लर्निंग है जो मुझे लेनी चाहिए जब मैं इंटरनेट बिजनेस बना रहा हूँ, क्योंकि प्योर दोस्तों इंटरनेट बिजनेस ही बना रहे, तो वाल कहते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करना है, लॉन्ग टर्म विजन, कि कुछ भी बना रहे हो ना
लॉन्ग टर्म प्लान क्या है वो चीज को लेके, आउटकम क्या चाहते हो। लॉन्ग टर्म विजन यानी कि दोस्तों एग्जैक्टली कह लीजिए दूर का सोचना, कि आज आप ये काम कर रहे हो लेकिन आप दूर की कहां पे सोच रहे हो, आप एट द एंड आफ्टर द फ्यू ईयर आप क्या आउटकम चाहते हो, रादर देन क्विकी क्विकी छोटी छोटी चीजों करने से अच्छा है एक बड़ी चीज पे काम किया जाए। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पे आइजेक ना ये प्रोजेक्ट पे अब ज्यादा फोकस ना करके Kickduck.com एक टाइप का असल, एक टाइप की गिमिक कह लीजिए, अब फोकस ना करके एक टाइप का आर्बिट्रेज कह सकते हो, अब वो चीज पे अपना फोकस हटा के प्राइस सैटेलाइट पे काम कर रहे हैं। और बहुत सालों तक आइजेक कहते हैं कि अब मैं प्राइस सैटेलाइट पे ही काम करूंगा, क्योंकि प्राइस सैटेलाइट दोस्तों मैंने पहले भी कहा ये $1 बिलियन का इंटरनेट बिजनेस दोस्तों बन सकता है, क्योंकि ये लग्जरी गुड निश में आ रहा है। इस हिसाब से दोस्तों यदि ये बंदा एट द एज ऑफ 12 बच्चा ही बोलूंगा $1500 दिन का यहाँ पे बना रहा था अपने पीक टाइम में, एट द एज ऑफ 14 एज प्राइस सैटेलाइट बना रहा है। और ये बिजनेसेस बनाने के लिए दोस्तों कोई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं ओपन करना है कि फादर ने 1 करोड़ दिया फिर पेट्रोल पंप चलाया, नहीं, सब अपनी स्मार्टनेस से दोस्तों सब जीरो से शुरू करने वाले पर्सन है। और वाले तो दोस्तों अपने बच्चे को ना पीसी भी ऐसे नहीं दिया था, वो कहा था कि यदि तुझे पीसी चाहिए तो मैं तुझे कंपार्टमेंट दूंगा, पीसी नहीं दूंगा कंपार्टमेंट, यूट्यूब से सीख लेना और अपने हिसाब से पूरा पीसी बनाना यदि बनाना है तो, इस हिसाब से अपब्रिंगिंग दोस्तों होती है। तो ये चीज़ें मैटर करती है, फैमिली बैकग्राउंड एब्सोल्युटली दोस्तों मैटर करता है। और ये चीज़ आप इसलिए दोस्तों यहाँ पे यदि कंज्यूम कर रहे हो तो फायदे में हो, क्योंकि आपको मैंने लर्निंग दे दी वाल के तैयार की जो अपना अपने बच्चे को दे रहा है कि कुछ भी बना रहे हो, लॉन्ग टर्म विजन क्या है वो चीज़ को लेकर इस पे जरूर यहाँ पे आपको फोकस करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन के साथ दोस्तों जब सोचते हो ना तो आज का आपका एक्शन, आपका जो इनपुट है ना वो स्ट्रॉन्ग आता है, आज आप जो इनपुट डालते हो ना वो स्ट्रॉन्ग डालते हो, आज जो आप काम करते हो बहुत स्ट्रॉन्ग करते हो जब आपके पास लॉन्ग टर्म में एक बड़ी थिंकिंग होती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेसेस में वन ऑफ द कह लीजिए बेस्ट पर्सन है इंस्पिरेशन लेने के लिए भी वाल कतयाक। तो आप यहाँ पे एज ऑफ इंस्पिरेशन वाल कतयाक से भी चीज़ें लर्न कर सकते हो, एज ऑफ इंस्पिरेशन ले सकते हो, ये पर्सन आपको कुछ सिखाएगा तो नहीं क्योंकि वो तो खुद गोल्ड के बिजनेसेस में। तो आज थी दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस इंस्पिरेशनल स्टोरी में आइजेक की बात। यदि हमारे पास और दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस की इंस्पिरेशनल स्टोरी आती है रिसर्च से हम आपके साथ यहाँ पे जरूर शेयर करेंगे। और ये दोस्तों आप यदि एंड तक सुन रहे हो, आपको लग रहा है कि यार आज ना मैंने कुछ ऐसा सुना, अभी आपने एंड तक सुना है, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन आई है, आपके अंदर कुछ स्पार्क हुआ, इसे कहते हैं दोस्तों स्पार्क होना, आप डीमोटिवेटेड हो गए थे लेकिन अब आप ये सुनने के बाद एक स्पार्क में आते हो कि यार अभी अभी नए नए 12 साल के बच्चे नए नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका ये मतलब है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो है ही, गेम है आपके एक्सपोजर की और ट्रेनर की। बहुत बार ये भी डिमोटिवेशन आता है यार सब कुछ तो फील हो चुका है, कहीं पे गैप ही नहीं है, ये देखो 12-14 साल के अभी नए नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यानी कि इंटरनेट बिजनेसेस में हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है। आपके अंदर दोस्तों स्पार्क आया है, आपके अंदर ये मोटिवेशन आया है, क्या हमारा पर्पस क्लियर हो रहा है? क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिजनेस इंस्पिरेशनल स्टोरी का यदि मैं एपिसोड भी आगे लेके आऊंगा तो मेरा पर्पस क्लियर है। मैंने कहा कि आपके अंदर ये स्पार्क आना चाहिए कि आई कैन ऑल्सो डू इट, मैं भी ये कर सकता हूँ। तो एब्सोल्युटली कमेंट में दोस्तों आई कैन डू इट लिख देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजीत रहा।